भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने वेंडर्स एक्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा दिए गए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि केवल मात्र योगी मॉडल को हाईलाइट करते हुए इसे अलग रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उन चीजों को सख्ती से लागू किया जो देश के इस संविधान में अंकित की गई थी। हिमाचल प्रदेश के युवा मंत्री ने भी केवल यही सुझाव दिया था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस अपने ही नेताओं को दिल्ली बुलाकर डराने धमकाने का काम कर रही है। विधायक ने चिंतपूर्णी महोत्सव को लेकर भी प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर जमकर जुबानी तीर छोड़े। उन्होंने कहा कि माता के नाम पर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में एक बार भी माता का नाम नहीं लिया गया, यहाँ तक कि स्थानीय कलाकारों को अनदेखा करते हुए बाहर से बड़े कलाकार बुलाए गए और उनकी अदायगी में भी पैसों का भारी हेर फेर किया गया है। विधायक ने भाजपा सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत को लेकर आयोजित प्रशिक्षण शिविर को लेकर कहा कि पार्टी का सदस्यता अभियान शानदार तरीके से चल रहा है और दूसरे चरण में इसे और बढ़िया तरीके से संचालित किया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कार्यकर्ताओं को दोबारा से सदस्यता लेने के लिए 2 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से इसका शुभारंभ किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता में जो कार्यक्रम केंद्रीय कार्यालय में हुआ था, उसी कड़ी में हर प्रदेश में, हर विधानसभा में और हर गांव और शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्राथमिक सदस्य बना रहे हैं। तो देश के अंदर जो लक्ष्य हमने रखा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने लगभग 15,000 कार्यकर्ताओं की मेंबरशिप की है और दूसरा चरण हमारा शुरू हो गया है। दूसरे चरण में 10,000 हम लोग और करेंगे और 25,000 सदस्यता हम ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर करेंगे। तो आज उसी कड़ी में पूरे जिला की सदस्यता अभियान की समीक्षा करने के लिए मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग के अंतर्गत आज जो ध्यान में आया है, उसमें ध्यान में आ रहा है कि सब कार्यकर्ता अपने काम में लगे हैं और जल्दी जल्दी ही इस सदस्यता अभियान को कंप्लीट करके हम लोग समाप्त करेंगे। नहीं, मेरा ऐसा मानना है, योगी मॉडल तो चलो एक मीडिया के लोगों ने उसको लिखा, क्योंकि योगी जी ने इस चीज़ को मजबूती से लागू किया। जो कंज्यूमर एक्ट है उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें फाइनल हैं। इसी तरह से जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ऐसे करके हमारी वेंडर्स से संबंधित जो पॉलिसी बनाने की कमेटी बनी है, उसकी हमारी 3 तारीख को 3:30 बजे शिमला में मीटिंग है। उसके अंदर भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें निकाली हैं। मैंने स्टडी किया था, जो विक्रमादित्य सिंह जी ने बोला वो एक्ट के अंदर है, विक्रमादित्य जी ने कोई अलग से नहीं बोला और जो अनुरोध ने बोला वो भी अलग से नहीं बोला। लेकिन कांग्रेस की हाई कमांड इतनी लंबी पड़ गई है कुछ ऐसे ग्रुपों के अंतर्गत वोटों के चक्कर में, जिससे इतने बड़े सीनियर लीडर्स को बुला करके दिल्ली में डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक अच्छा काम की शुरुआत की है और कांग्रेस के लिए भी ये अच्छा है कि राष्ट्रहित के मुद्दों को आगे बढ़ाना, वरना कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है वो राष्ट्रीय मुद्दों से हटने के कारण ही हुई है। इन दो अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने जो बयान किए हैं या जो उन्होंने सुझाव दिए हैं, तो मुझे लगता है वो अच्छा सुझाव है। कोई भी व्यक्ति अच्छा सुझाव देगा उसका समर्थन होना चाहिए और जो एक्ट के अंतर्गत है वो एक्ट से बाहर नहीं गए हैं, लेकिन इनकी दिल्ली हाईकमांड को मिर्चें लगनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके कारण आज कांग्रेस के अंदर जो खलबली है, वो कांग्रेस के अंदर खलबली आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। हाँ, मैं 3:30 बजे 3 तारीख को वहाँ जा रहा हूँ और रणधीर शर्मा जी हमारी ओर से, अनिल शर्मा जी हमारी ओर से और मैं हूँ, ऐसे बीजेपी के 3 विधायक हम लोग हैं। तो उसमें हम लोग सुझाव देंगे, हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं उन लोगों को वेंडर्स के नाते आगे बढ़ोतरी देनी चाहिए। हमारे अपने बहुत बेरोजगार लोग हैं, बाहर से आकर के अनाधिकृत लोग सड़कों के ऊपर बैठ जाते हैं। शिमला में अगर आप जाएंगे, लोअर बाजार में चलने को जगह नहीं है, मिडल बाजार में चलने को जगह नहीं है, कार्ट रोड के ऊपर चलने को जगह नहीं है, लक्कड़ बाजार में चलने को जगह नहीं है और लोग मार रोड की तरफ भी बढ़ रहे हैं। SBI बैंक के पास और हमारा जो माता कालीवाड़ी का मंदिर है उसके नीचे भी लोगों ने सड़क के बीच फड़ियाँ लगा दी हैं। टूरिस्ट को निकलना मुश्किल हो जाता है जब गाड़ी आती है, पैदल चलने वालों को मुश्किल हो जाती है। ऐसे अलग अलग जगहों के ऊपर आप ऊना के अंदर देखते हैं कितने रेड़ी फड़ी वाले हैं, लगभग मुझे लगता है 100 आदमी का परमिट है और 200 आदमी घूम ही जा रहे हैं। वो कहाँ से हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उन लोगों का आई कार्ड देखना चाहिए, उनका आधार कार्ड बनना चाहिए। उनका नगर परिषद के अंदर फड़ी लगा रहे हैं तो वहाँ उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के अंदर अगर वो घूम रहे हैं तो ग्राम पंचायतों की परमिशन उनको तहसीलदार SDM के माध्यम से लेनी चाहिए और अगर कोई आई कार्ड पूछे तो उनका आई कार्ड उनको दिखाना चाहिए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।